आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले खुशी का जन्म गौ सेवा परिवार के हॉस्पिटल में हुआ। जो भी टूरिस्ट गौ सेवा परिवार के हॉस्पिटल में आता वो सबसे पहले खुशी को मिलता। जितना पसंद लोग खुशी को सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कर रहे थे, हमारे आज तक किसी भी जानवर को इतना पसंद लोगों ने नहीं किया। अब छोटी सी उम्र में माँ का दूध जैसे हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वहीं खुशी की ये ज़रूरत उसकी माँ पूरी ना कर सके। खुशी की माँ खुशी को जन्म देते सार ही मर गई। हम जैसे तैसे खुशी का पेट भर देते और हम देख रहे थे कि दिन ब दिन खुशी के बॉडी में एक कमजोरी सी आ रही थी। हमारी इतनी कोशिशों करने के बावजूद भी खुशी ने अपना एक दिन दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ इसी हफ्ते टप्पू ने गौ सेवा परिवार के हॉस्पिटल में जन्म लिया, लेकिन हमारी टप्पू के आने की भी खुशी कुछ ही देर टिक पाई। प्री मैच्योर डिलीवरी के कारण टप्पू की माँ उसे अपना दूध ना पिला सकी, जिस कारण खुशी के जैसी ही मौत टप्पू को मिली। पर इस बार अभी तक हमारे पास टप्पू की माँ बची हुई है। मैं जानता हूँ ये दोनों कहानियाँ सुनकर आपको थोड़ा बुरा लगा होगा, लेकिन आपको पता है कि हमने खुशी और टप्पू को जानबूझकर नहीं मारा और हमने उन दोनों को बचाने की कोशिश भी की थी। पर आप जानते हो कि आप ऐसे कितने बछड़ों की मौत का कारण आज तक बने हैं? वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके घर के बाहर कोई गाय या बछड़ा आता है, आप उसे खाना तो छोड़िए, आप उसको पानी तक भी नहीं पिलाते। हो सकता है उस गाय के अंदर कोई खुशी या टप्पू जैसा बच्चा जन्म लेने वाला हूँ। इस बात को जरा आप सोचिए और वीडियो शेयर कर दूसरों को भी सोचने का मौका दीजिए।